Hello friends, welcome again to my channel Kitchen Chef with Rukhsana. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पनीर रिंग समोसे। इसको बनाने के लिए पहले मैं आटा तैयार करती हूँ। इसके लिए हमें लगेगा 250 ग्राम मैदा, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून साल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ले सकते हैं, 50 ग्राम्स ऑयल है और ये पानी जितना लगेगा लूनी में। पहले मैं ये इसमें मिक्स करूँगी ये अजवाइन, इसे थोड़ा सा ऐसे करके डालेंगे, इससे अच्छे से फ्लेवर आएगा। और ये साल्ट और ये ऑयल, पहले इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिला लूँगी। ब्रेड क्रम्स जैसा बनाना है, इसे अच्छा सा मिक्स करें। अभी ये आटा मिलकर तैयार हो गया है अच्छा सा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मैं टाइट डफ बनाऊंगी। आटा भीग कर तैयार हो गया है, मैंने एकदम टाइट आटा भिगाया है। इसको मैं ढककर सेट होने के लिए रखूंगी 10 मिनट के लिए। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए लगेगा ये 200 ग्राम पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये गाजर है, एक गाजर ग्रेट किया हुआ। ये 50 ग्राम मटर है, ग्रीन मटर को उबाल कर थोड़ा सा क्रश कर लिए सो है। और ये हरी मिर्ची है, ये ऑप्शनल है, ये दो हरी मिर्च है, इसको मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया, और इसके लिए जो ड्राई मसाले लगेंगे, ये जीरा पाउडर है, आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, धनिया पाउडर। अभी इन सब चीज़ों को फिलिंग के लिए मैं तैयार करूंगी। अभी मैं फिलिंग तैयार करूंगी। इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है मैंने। अब इसमें डालूंगी मैं ये गाजर, थोड़ा इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें पनीर डालूंगी, इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा पानी सूख जाए इसमें का। अभी ये मटर डालूंगी, अभी इसमें मैं सभी ड्राई मसाले डालूंगी। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। बहुत सारा हरा धनिया डालूंगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये अपना फिलिंग बन के तैयार है। अभी मैं रिंग समोसा बनाना चालू करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा आटा सेट हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा मल कर लूंगी और फिर इसके छोटे छोटे गोले बनाऊंगी। इतने आटे में लगभग 8 समोसे बन जाएंगे। इसे अभी मैं बेल कर लूंगी।
चारकोनी शेप में बेलना है। ट्राई करेंगे चारकोनी बेले जाए। इसे इस तरह का बना लें फोल्ड करके। अभी ये बेलकर तैयार है। इसको अपन हाफ हिस्सा छोड़कर आधे से ऐसे कटे मार लें, इसके कोने जुड़े रहे। ऐसे टाइट दबाकर रोल करें। अब इन दो कोनों को ऐसे जोड़ लें। इसलिए मैंने ये मैदे का पेस्ट बनाकर रखा है। जोड़ने के लिए एक ऐसी पट्टी बना के लें। ये आप बेलते टाइम पे भी कट करके ले सकते हैं। इसको ऐसे चिपका दें। ये रिंग समोसा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बना है ये। इसी तरह मैं और तैयार करूंगी। ये पट्टी हम जोड़ने के लिए रखेंगे। कोना ना कट करें, लास्ट में कोने इसके जुड़े रहें, इसका ध्यान रखें। फिलिंग को टाइट रोल करें ताकि ये बाहर ना आए। इस तरह जोड़ दें कि रखा है हम। इसी तरह हम बाकी के समोसे बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे समोसे बनके तैयार है। ये इसमें 8 रिंग समोसे बन गए हैं इतने आटे में। अभी मैं इसको फ्राई करके लूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये अभी मेरा तेल गरम हो चुका है। ये इसे सिम पे रखकर तलना है। ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, एकदम धीमी आंच पे तलना है मुझे। इसे पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छा सा फ्राई करके लेना है। इसे लो मीडियम पे तल रही हूँ मैं ताकि अंदर तक पके, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा।
अभी ये रिंग समोसे लगभग तैयार हो गए हैं, ये फ्राई हो गए हैं। अभी इसे मैं निकाल लूँगी, इसे थोड़ी देर ऐसे रखूँगी इसका, ताकि इसका तेल पूरा निथर जाए। तरह मैं बाकी के समोसे भी तल लूंगी। ये मेरे रिंग समोसे बनके तैयार हैं। ये इसको आप अपने टैमरिंड चटनी या फिर नहीं तो अपने टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है रिंग समोसे, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुड डे।